आज मैं करूंगा अनबॉक्सिंग एप्सन LX30 प्रिंटर की। सो देखिए पूरा प्रोसेस कैसे इंस्टॉलेशन करनी है आपको प्रिंटर में। चलिए शुरू करते हैं। प्रिंटर को हमने अनबॉक्स कर लिया है। प्रिंटर के साथ हमें इसमें मिली है पावर केबल, USB केबल और प्रिंटर की इंक्स जो कि है सियान मेजेंटा येलो ब्लैक इंक। दोस्तों टेप सारी आपको निकाल लेनी है पावर ऑन ऑफ ऑन करने से पहले। टेप्स निकालने के बाद फिर प्रिंटर को ऑन करना है, उससे पहले ऑन नहीं करना है। प्रिंटर की स्पेसिफिकेशन मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से जाके स्पेसिफिकेशन देख सकते हैं। अब इंक फिल करने के लिए आपको करना है क्या, कैप बारी बारी से निकाल, चारों कैप ओपन कर लें और इस जगह पे यहाँ पे कलर्स भी लिखे हुए हैं, यहाँ पे सियान मेजेंटा येलो ब्लैक, इन तीनों को कलर के हिसाब से आपको इसमें इंक फिल कर देनी है। एक बोतल पूरी टैंक के अंदर जाए ताकि चारों इंक आपकी फिल हो जाएगी। प्रिंटर को ऑन करेंगे, प्रिंटर ऑन करेंगे तो आपको यहाँ पे रेड लाइट इंक फ्लैश करेगा एक बार। सो इसका मीनिंग ये है कि हमको सबसे पहले प्रिंटर के अंदर इंक डाल लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट कोई स्टेप करना है, इंक फिल कर देनी है बारी बारी से इसके अंदर प्रिंटर में टैंकों में। इंक फिल करने के बाद कैप बंद कर देंगे चारों और प्रिंटर वापस स्टैंड कर देंगे यहाँ पर। इंक फिल करने के बाद आपके बटन जो है 3 से 5 सेकंड दबा के रखने हैं, छोड़ देना, लाइट ब्लिंक करती रहेगी। प्रिंटर रेडी होने में 30 से 25 मिनट लगेंगे, उसके बाद प्रिंटर रेडी हो जाएगा, ग्रीन वाली लाइट जो है स्टे हो जाएगी अपनी जगह पे, फिर आप प्रिंट आउट दे सकते हैं। इस पर प्रिंटर हमारा रेडी हो गया है। प्रिंटर के अंदर अभी हम क्या करेंगे, नोजल चेक निकाल के देखेंगे जिससे हमें पता चलेगा प्रिंटर हमारी क्वालिटी कैसी आ रही है। सो नोजल चेक निकालने के लिए 2 प्रोसेस हैं, पहला है आपके कंप्यूटर से डिवाइस है प्रिंटर में जाके, और सेकंड है प्रिंटर से ही। प्रिंटर की जो कीज़ है इनका यूज़ करना है, कैसे करना बताता हूँ मैं आपको। पहले प्रिंटर को ऑफ कर लेना है, प्रिंटर को ऑफ होने के बाद ये जो बटन है कैंसिल वाला इसको दबा के रखना, फिर प्रिंटर को ऑन करना है। अभी दोनों बटन आपको दबा के रखनी, छोड़नी नहीं है, कम से कम 5-6 सेकंड दबा के रखनी है। 5-6 सेकंड के बाद आपको बटन छोड़ देनी है। अभी प्रिंट आउट निकल के आएगा नोजल चेक, ये नोजल चेक निकल के आया हमारा इस तरीके से, इस तरीके से नोजल चेक आना चाहिए। अगर ये नहीं आ रहा है यहाँ पे जो ये सामने दिख रहा है इसे नोजल चेक बोलते हैं, अगर ऐसा नहीं आ रहा तो मीन्स आपका प्रिंटर रेडी नहीं है, और ऐसा आ रहा है तो मीन्स प्रिंटर आपका रेडी हो गया। थोड़ा बेसिक बताया था मैं प्रिंटर के बारे में आपको। सो सबसे पहले सबसे ऊपर जो यहाँ पे दिख रहा है पावर ऑन ऑफ का बटन है, एक बार बटन दबाएंगे तो प्रिंटर ऑन हो जाएगा, और दबाने से ही यहीं से प्रिंटर ऑफ हो जाएगा। उसके बाद जो बटन है यहाँ पे कमांड कैंसिल के लिए है, कोई भी कमांड आपने दे रखी है उसे कैंसिल करना है, तो एक बार यहाँ प्रेस करना है वो कमांड कैंसिल हो जाएगी। सेकेंड यहाँ पे ऑप्शन और भी आते हैं, जैसे पेपर जाम होगा तो भी यह लाइट रेड लाइट ब्लिंक करेगा, तो ये इंडिकेट भी करता है हमें कि प्रिंटर के अंदर कोई इशू है। थर्ड चीज़ में आती है कि पेपर कहाँ लगाने हैं, ये इसकी कैसेट है अप हो जाती है यहाँ से। पेपर यहाँ लगाने के बाद जो भी पेपर आपको लगाना है, फोटो पेपर, प्लेन पेपर, यहाँ लगाने के बाद ये लीवर है इसको आपको सेट कर देना है, ये लेफ्ट राइट होता है, ये आपको सेट कर देना है यहाँ पर। सेट करने पर फ़ायदा ये रहेगा, अगर ये सेट नहीं किया आपने प्रिंट आउट दे रहे हो तो प्रिंट आउट जो आपका पेपर अंदर जाके टेढ़ा हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको दिक्कत आएगी, पेपर आपको ख़राब हो जाएगा। तो मेक श्योर कि पेपर हमेशा आपका लगने के बाद ये सेट हो जाए लीवर आपके यहाँ पर। थर्ड इसमें पावर केबल जो लगती है, बैक साइड में लगती है पावर केबल। कभी भी प्रिंटर के अंदर कोई पेपर फंसता है तो आप कवर को इस तरीके ओपन करके यहाँ देख सकते हो पेपर की कंडीशन क्या है, अगर मुड़ गया